आज इंट्रोडक्शन वगैरह सब तेल लगाने गया, सीधा अनबॉक्सिंग करते हैं जैसा आप लोगों को पसंद है। हमारे पास जो प्रोडक्ट एक महीने से आके पड़ा हुआ है ये है MI का पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर। मतलब पेट्रोल पंप पे जाके लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इतने से ही पैकेट में आप कैरी कर सकते हो खुद का एयर कंप्रेसर। और ये वायरलेस है, इसको कोई कनेक्शन की ज़रूरत नहीं। सीधा खोल के दिखा देते हैं, छोटा वीडियो बनाएंगे। हमारे बड़े भाई ने बताया था कि लोगों को ना ज़्यादा लंबे चौड़े वीडियो देखने की आदत नहीं है, तो सिंपली जो है निकाल के करके ख़त्म कर दो। उसमें क्या क्या आता है मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो ऐसी यही जो चीज़ थी जिसके बारे में बात कर रहा था, यही है आपका पोर्टेबल एयर कंप्रेसर। इससे आप अपने गाड़ी में, बाइक में और साइकिल में और फुटबॉल में हवा भर सकते हो। इसके साथ में आता है इसका एक पाउच, आप इसको इसमें डाल के आप अपने साथ में अपने बैग में या जहाँ पे भी आपको रखना है परमानेंटली, गाड़ी में रखो, बैग में बाइक के लिए रखना है रखो। ये चीज़ जो है चार्जिंग होती है इस केबल से भी, आपकी सीधा नॉर्मल जो चार्जर है बस उसमें लगा दो, ये चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे नीचे एक चार्जिंग डॉक दिया गया है, तो हम लोग इसको डॉक को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पावर बैंक में भी अटैच होता है कि नहीं होता है। तो ये MI का पावर बैंक है और ये हमारा चार्जिंग पे लग चुका है। ये जो एयर कंप्रेसर है MI का ही है, सो ये अच्छी बात है कि आप इसको गाड़ी में, या गाड़ी में अगर आपके चार्जर नहीं है, सिगरेट चार्जर नहीं है, तो डायरेक्टली अपने इसमें ही चार्ज कर सकते हो। तो ये डिस्प्ले कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक सर्कल व्हील है जो घूमता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बटन दिया गया है प्लस डाउन माइनस, और यहाँ पे जो है रीसेट एंड लाइट ऑप्शन दिया गया है। सो एक बार और हम देख लेते हैं चालू करके इसको। चालू करना बहुत इजी है, ये जो रेड साइड का जो नॉब है बस इसको हम लोग जैसे ही खींचते हैं ना, ये यहाँ पे डिस्प्ले आ जाता है, और फिर हमको बस अपना प्रेशर जो है वो सेट करना होता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे सेट किया हूँ मेरे बाइक के लिए 32, ओके। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लगा के ये बीच का बटन दबाऊँगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, ओके। और यहाँ से लिटरली जो है एयर चालू हो जाती है, बंद भी करना है तो ये एक बटन दबाएंगे बंद हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग अंदर डालते हैं तो ये टर्म कम्प्लीट टर्न ऑफ हो जाता है। सब रख दिया है मैंने इसमें बराबर से, अभी सब मिलेंगे सुबह में, हम जब उठेंगे जाएंगे इसको टेस्ट करेंगे, वो शूट करेंगे थोड़ा सी, और फिर वीडियो कंप्लीट करके डाल देंगे। आपकी इच्छा है तो आप आगे देखिए, नहीं इच्छा है तो मत देखिए। तो फाइनली हम लोग अपनी गुफा से बाहर आ चुके हैं, और हमारे पास है हमारा फिर से MI का पोर्टेबल एयर कंप्रेसर। अभी करने वाले हैं इसका टेस्ट, देखते हैं कितने जल्दी ये हवा भरता है हमारे टायर में। टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं कि हवा भरता भी है क्या टायर में, ठीक है। चलो एक्शन में आते हैं। तो ये है हमारे टायर का प्रेशर वॉल्व जहाँ से हम लोग हवा भरते हैं, और ये है हमारा पाइप जिससे हमने हवा भरना है। तो इसका जो ये रेड पार्ट है बस इसी को जो है हमको अनप्लग करना है, ठीक है। ये अनप्लग करने के साथ में ये डिजिट आ जाता है यहाँ पे, और फिर सेकंड पार्ट जो यहाँ पे करना होना है अपने को, ये हमको ये अंदर डालना है, दिख रहा है क्या, ओके, ऐसे बस। और ये मॉनिटर पे जैसे आप देख रहे हो, इसने टायर में जो एक्चुअल प्रेशर है वो बताया है, इसने बताया कि भी टायर में है 29 का प्रेशर, और हमको कितना चाहिए प्रेशर, हमको चाहिए एटलीस्ट 32 का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे इसको यहाँ से 32 पे, ओके। और बस एक बटन दबा देंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे अभी आप लोगों ने देखा मुझे 1 से 2 मिनट लगा बस इसे 29 से 32 करने के लिए। अगर मैं चारों टायर का करने जाऊंगा तो एटलीस्ट 10 to 12 मिनट लग जाएगा, और अगर 10 से 12 मिनट में मेरे चारों टायर की हवा अगर फिल हो जाती है और मुझे पेट्रोल पंप की लाइन पे एक्स्ट्रा लाइन नहीं लगानी पड़ती है सिर्फ एयर प्रेशर को चेक करने के लिए या हवा भरने के लिए, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, आई वुड रिकमेंड दिस।
देखो यार कैसे दिन आ गए, इस तरीके से शूटिंग करना पड़ रहा है। सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मैं घर से बाहर निकलूँगा और मैं इस प्रोडक्ट का एक डेमो दूंगा आपको, एयर कंप्रेसर का। एंड आई रियली सजेस्ट यू कि आप इसको ले लीजिए। MI का पोर्टेबल एयर कंप्रेसर है। आप बाइकर हो या लॉन्ग टूर करते हो कई कार से, तो ये रिकमेंडेड मस्ट हैव प्रोडक्ट है। एक्चुअली बीच रास्ते में अगर आपकी बाइक पंचर हो जाए, अभी तो ट्यूबलेस टायर निकला है, तो ट्यूबलेस किट भी आता है, पंचर किट भी आता है, और ये भी हो गया, मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कार का तो ऐसा हो गया कि अगर सिर्फ हवा भराने के लिए, अगर आपको पेट्रोल पंप की लाइन पे पेट्रोल भराने के लिए अलग से लाइन प्लस हवा भराने के लिए अलग से लाइन आपको लगानी पड़ती है, तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही वीडियो ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। ओके, सो इफ यू फील दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, डू लाइक इट, डू शेयर इट, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस। इज योर बॉय अतिकी सर, साइनिंग ऑफ, बाय, चाओ। देखो अभी थोड़े दिन पहले मैं एक ब्लॉग में बता रहा था कि यहाँ पे ये जो रोड है ना, ये बन रहा है, ठीक है, और ये फुटपाथ है यहाँ पे, और फुटपाथ और रोड, इसका जो लेवल है ना, ये लोग सेम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आगे से ऐसा होगा कि इस फुटपाथ पे जो चलने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत खतरा होने वाला है।